वेलकम बैक टू आवर चैनल ESTR। सो हम लोग आए थे अलीबाग, तो अलीबाग में हम लोग अलीबाग बीच घूमे, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा राउंड मारने आए, तो हम लोग को अरबाज जी मिले जो यहाँ के ओनर है, ठीक है। तो ये जो बीच का ये जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है अलीबाग बीच वॉक, ठीक है। ये नाम इसके लिए है क्योंकि ये नज़दीक है, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंट है, इसके लिए उन्होंने ये नाम रखा है कि अलीबाग के बीच पर जो भी आए वो वॉकिंग करके यहाँ आ सके और यहाँ का मज़ा उठा सके। तो और एक चीज़ आपको बता दूँ, जो ये अंदर का जो एम्बियंस जो आपने देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो एम्बियंस इन्होंने इसके लिए ऐसा क्रिएट किया है वुडन में, क्योंकि जो इनके डैड है अरबाज जी के जो डैड है उनको वुडन स्टाइल बहुत पसंद है, उनके जो घर है वो भी पूरा वुडन से उन्होंने पूरा एकदम डेकोरेट किया। वुडन के बहुत बड़े फैन है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं वुडन से कुछ भी डेकोरेट करूँ और ऐसा करूँ, तो ये रेस्टोरेंट पूरा वुडन से बना है। तो आप इसका मज़ा लीजिए और इसमें जो है वो मैं आपको अंदर बता दूँ, चलते हैं। तो गाइज ये है यहाँ के ओनर अरबाज जी, तो ये हमको बताएंगे कि यहाँ की क्या स्पेशलिटी है। हेलो एवरीवन, सो बेसिकली हमारा रेस्टोरेंट वेज एंड नॉन वेज है, एंड हमारी स्पेशलिटी सी फूड है। सी फूड में हम फ्रेश सी फूड देते हैं कोकनी स्टाइल में, और फिश हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, सुरमई, पापलेट, बांगड़ा, प्रॉन्स, माकुल और भी है, और लेकिन फिलहाल ये अवेलेबल है। सो इफ़ यू आर इन अलीबाग डेफिनेटली ट्राई आवर सी फूड, थैंक यू। तो ये जो आज जो आप मुझे खिलाने वाले हैं, ठीक है, वो कौन सी फिश है? ये सुरमई है, किंग साइज सुरमई है, वो बड़ी बड़ी फिश है, तो विल डेफिनेटली आप ट्राई करो, ठीक है। तो अभी सुरमई हम लोग ट्राई करेंगे किंग साइज की और बताएंगे आपको कैसा है टेस्ट। तो चलते हैं डायरेक्ट टेबल पे। आ चुकी है हमारी किंग साइज सुरमई, ठीक है, फ्राई है ये, तो हम ये ट्राई करेंगे इस पर थोड़ा सा नींबू मार के। हाँ, अलीबाग की स्पेशलिटी यही है कि फ़िश इधर बहुत ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं, तो लोग को किसको फ़िश खानी होती है तो लोग यहाँ आते हैं। तो ऐसे तो बेसिकली इतना मैं नहीं खाता, बट फिर भी फ़िश खाने के लिए खास ये होटल में आया हूँ। नरम है, भाई इनकी फिश और इनका मसाला एक अलग लेवल है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा टेस्ट में कि आपको, आप आओगे यहाँ पे खाओगे आपको बहुत मज़ा आएगा। पहली बात तो जो इनकी सुरमई है वो तो उसका जो फ्लैश है वो बहुत ही नरम है, तो आप जब डालोगे वो सीधा चले जाएगा, तो बहुत मज़ा आएगा। और जो नहीं खाता है फ़िश, तो मैं उसके लिए भी एक बात बोल दूँ कि ये थोड़ी चिकन जैसी भी लगती है, क्योंकि आप अगर खाओगे आपको फ़िश का टेस्ट आएगा नहीं इसमें, ठीक है। तो आप आओ खाओ और इन्जॉय करो, इन लोगों का ये बेस्ट डिश है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर आए और अलीबाग बीच वॉक में और सुरमई किंग ट्राई करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ भी है मैंने जो मंगाई है, अपना हर बार कुछ ना कुछ रहता ही है, तो ये शेज़वान राइस इन्होंने मुझे दिया है, तो मैं भी ये टेस्ट करके बताऊंगा, लेकिन ये फ़िश नहीं है ना सी फूड है, ये है चिकन शेज़वान राइस, तो मैं ये ट्राई करके बताता हूँ इनके शेज़वान के साथ। तो भाई इनका शेज़वान राइस भी कंपैरिजन अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हो कि आपको जैसा मुंबई में टेस्ट मिलता है शेज़वान चाइनीज़ का, वैसा आपको इधर मिल जाएगा। पर ये आपके ऊपर है कि आपको अगर स्पाइसी खाना है तो आप स्पाइसी मंगा सकते हो, या आपको थोड़ा ठीक ठाक नॉर्मल स्पाइसी तो नॉर्मल स्पाइसी, ये थोड़ा सा स्पाइसी है तो आपके ऊपर है। सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ लेते हैं एंड हमारे ये ब्लॉग का, तो अलीबाग बीच वॉक पे हम लोग आए, बहुत मज़ा आया हम लोग को यहाँ पे। अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं रेटिंग यही दे सकता हूँ कि फ़िश मेरे में 5.5 दूंगा, क्योंकि फ़िश रियली बहुत अच्छी लगी मुझे, ठीक है। और दूसरी बात शेज़वान राइस जो हम लोग ने मंगाया था उसके लिए मैं 4.5 दूंगा। सो गाइस हम लोग जो अलीबाग में आए हैं, जो हमने जो भी चीज़ें की है वो हमारे ब्लॉग में आपको मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ वो ब्लॉग का इंतज़ार करिए, बहुत जल्द वो ब्लॉग भी आएगा, भी देख लीजिए। ये रेस्टोरेंट का इम्पोर्टेंट था इसलिए पहले ब्लॉग डाल।